नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवजी टेक्निकल चैनल में। मेरा नाम है देवसानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप डिजी लॉकर को यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डिजी लॉकर में आप अपना DLRC या अपने पैन कार्ड आधार कार्ड का जो है सॉफ्ट कॉपी सेव करके कैसे रखेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप डिजी लॉकर का कैसे यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक ऐप्स है जिसकी मदद से आप अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो है सॉफ्ट कॉपी इसमें सेव करके रख सकते हैं और जब कभी भी इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है तो आप इसको दिखाकर बहुत ही आसानी से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप वाहन चला रहे हैं या कोई बाइक या कार चला रहे हैं तब आपसे जो है जब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा DL या RC मांगा जाता है तो डिजी लॉकर में सेव करके रखे रहने पे अपने DL और RC का जो है सॉफ्ट कॉपी अगर दिखा देंगे तो वही जो है मान्य हो जाएगा DL और RC के तौर पे। जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है जिसकी मदद से आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी इसमें बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप डिजी लॉकर में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी कैसे सेव करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड्स सबसे ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा, आपको यहां पे क्लिक करना है और टाइप करना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर टाइप करके आपको सर्च करने पे आपके स्क्रीन पे डिजी लॉकर ऐप ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ से इसकी जो है टर्म एंड कंडीशन इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको और ये ऐप जो है आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों डिजी लॉकर ऐप हमारे स्मार्टफोन में डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे डिजी लॉकर ऐप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तरह का ऑप्शन मिल रहा है, साइन इन और साइन अप का। तो दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर ऐप का जो है पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास इसका यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करके इसमें लॉग इन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप डिजी लॉकर ऐप का जो है पहली बार यूज करने जा रहे हैं और आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे इंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जिस भी नंबर से अपने डिजी लॉकर ऐप को रजिस्टर करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको उसके नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो कि आपको नीचे इंटर करना है। तो आप जिस भी नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं उस नंबर पे OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो ये OTP हमारे जो है स्मार्टफोन पे आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों OTP इंटर करने के बाद आपके स्क्रीन पे फिर से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या ईमेल आईडी जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको उसके नीचे पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे पासवर्ड को डाल सकते हैं, जो भी आप अपने डिजी लॉकर में पासवर्ड लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहे, तो आप यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन में जो है अपने मनचाहा अनुसार पासवर्ड बना सकते हैं या डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड वाले ऑप्शन पे पासवर्ड भरने के बाद अब आपको कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड डालना है जो आप ऊपर पासवर्ड बनाए हैं। तो चलिए सेम पासवर्ड यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों दोनों जगह पे सेम पासवर्ड भरने के बाद आपको सबसे नीचे साइन अप का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों साइन अप बटन पे क्लिक करते ही आपका जो है डिजी लॉकर अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एक पॉपअप मैसेज मिला है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर लीगल नोटिफिकेशन डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर इक्वल टू ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो आप इसमें डॉक्यूमेंट सेव करेंगे वो आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर होगा या सेम होगा। मतलब दोस्तों आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट सेव कर देंगे वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है मान्य होगा और उसको जो है आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेट मोबाइल पिन
का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आप जो है डिजी लॉकर ऐप में जो है बाहर से एक 4 अंक का पिन सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके डिजी लॉकर को जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो आपको यहाँ पे सेट पिन पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अपना जो है डिजी लॉकर का पिन जो है सेट कर लेंगे। तो चलिए सेट पिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है एक्टिव कर देंगे और यहाँ पे आपको जो भी पिन डालना है आप यहाँ पे पिन डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पिन डाल देता हूँ, फिर से वही पिन आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे सिक्योरिटी में सेट पिन मतलब पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। तो मैं बैक आ चुका हूँ डिजी लॉकर ऐप में। तो दोस्तों डिजी लॉकर ऐप हमारे स्मार्टफोन में ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं कि दो तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड और इश्यू डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर साइड में 3 लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डैशबोर्ड, इश्यू डॉक्यूमेंट, स्कैन क्यूआर कोड, प्रोफाइल, अबाउट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, हेल्प, लॉग आउट। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो है कॉपी यहां पे सेव करेंगे। तो आपको यहां पे क्विक लिंक्स में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गेट योर डिजिटल आधार, गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, गेट योर डिजिटल व्हीकल RC, गेट योर पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो दोस्तों आप इन सारी सुविधाओं का यहां पे लाभ उठा सकते हैं या आप इन सारे डॉक्यूमेंट को आप यहां पे सेव कर सकते हैं। आपको और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप यहां पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले अपने आधार कार्ड को यहां पे लिंक करके दिखा देता हूं। तो आपको यहां पे गेट योर डिजिटल आधार पे क्लिक करना है। तो चलिए यहां पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने गेट योर डिजिटल आधार के लिंक पे क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज मिला है, लिंक योर आधार। मतलब दोस्तों आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड यहां पे लिंक करना है ताकि ये जो है उसके इन्फॉर्मेशन को फेच कर सके जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी आपके आधार कार्ड से लिंक रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं, यू नीड टू लिंक योर आधार नंबर टू योर डिजी लॉकर अकाउंट, फेच दिस डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर को लिंक करना है। तो चलिए यहाँ पे लिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। लिंक नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्लीज इंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका जो भी आधार नंबर रहेगा आपको यहाँ पे भर देना है। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं। दोस्तों आधार नंबर को इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके जो है आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। तो आपको उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों OTP को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अपने डिजी लॉकर ऐप से आधार नंबर को लिंक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इशू डॉक्यूमेंट पे एक डॉक्यूमेंट मुझे ऐड हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है डिजी लॉकर ऐप में ऐड हुआ है कि नहीं। तो आपको यहां पे इशू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इशू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने अपने आधार कार्ड को यहां पे लिंक किया था, तो यहां पे आधार कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे जो है शो होगा। तो चलिए यहां पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड जो है शो होकर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर ऐप में जो है ऐड या लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, रिफ्रेश और डिटेल्स का ऑप्शन, सारा जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड को PDF के फॉर्म पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब बता दूं कि आप कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपने RC को यहाँ पे लिंक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे फिर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे जो है कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा। आपके यहाँ पे आधार नेम शो होगा और आपका जो भी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो शो होगा और आपके यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी नंबर होगा आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड पे आपका नंबर होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ।
दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे चलिए चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट का बटन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इशू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट मेरा जो है ऐड हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप इशू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला मेरा आधार कार्ड लिंक हो चुका है और मेरा दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या DL जो है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पैन कार्ड या अपना जो है आप आधार कार्ड या आप अपना जो है गाड़ी का RC कुछ भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा चेक करने के लिए, तो आप इस ऐप को ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट को दिखा देंगे, तो आपको जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को जो है मान्यता दे दी जाएगी और आपको जो है परेशान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जो है गलती से अपना DL या RC घर पे भूल जाते हैं, उसका जो है ओरिजिनल कॉपी नहीं ले जा पाते हैं, अगर आप अपने DigiLocker ऐप में उन सारे डॉक्यूमेंट को रखे रहेंगे, तो आप इसको ओपन करके ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के द्वारा मांगे जाने पर दिखा सकते हैं और यही जो है मान्य होगा आपके ट्रैफिक पुलिस या आपके पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो की मदद से अब आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को DigiLocker में बहुत ही आसानी से सेव कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी जो है DigiLocker में सेव कर पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ पर देखते रहे सीखते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।